आज हम क्रिएट कर रहे हैं ब्राइडल नेगेटिव फ्लिंग के साथ डिज़ाइन जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत क्रिएट हुआ है। इसमें हमने काफ़ी शॉर्ट वीडियो ली है क्योंकि शूट नहीं हो पाई, इस वजह से आप देख सकते हैं हमने पहले ये डिज़ाइन क्रिएट की है एंड उसके बाद उसमें नेगेटिव फ्लिंग की जा रही है। अगर आपको भी सेम डिज़ाइन बनाना है तो आप उसको पॉज कर देख सकते हैं, बना सकते हैं। सेम ऐसे ही डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर आपको इस टाइप की वीडियोज़ देखनी है एंड आपको भी क्रिएट करने हैं ऐसे ब्यूटीफुल से डिज़ाइन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर भी मस्ट कर दें। ये देखें, इसको भी हमने नेगेटिव फीलिंग से ही क्रिएट किया है। हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपको पसंद आ सकती हैं, आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं और वीडियोज़ को उसे बारीक बारीक। जब भी हम कभी कुछ नेगेटिव फीलिंग करते हैं तो उसके साथ में एक बारीक लाइन ज़रूर देना होती है, जिससे कि जो हैवी एंड लाइट का कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से क्रिएट हो सके और जो डिज़ाइन है वो उभर कर आए। और जब ये जब कलर आता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, कहीं मोटा कहीं बारीक काम, और बहुत अच्छा लगता है। अब हमने यहाँ बहुत सारे रोज़ेस बना रखे हैं। ये वीडियो शॉर्ट इसलिए दिख रहा है कि हम इसे शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए थोड़ा थोड़ा रुक कर इसे शूट किया गया है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है वीडियो, अगर हम रेगुलर बेसिस पर उसे कंप्लीट शॉट शूट करते हैं तो। ये देखिए, एक पेटल के ऊपर एक पेटल। ये रोज़ बनाना बेहद आसान है, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर रोज़ कैसे बनाते हैं वीडियोस डाल रखी हैं। सभी रोज़ को क्रिएट करने के बाद हम उसको एक जो उसकी आउटलाइन रहती है उसे बोल्ड हमेशा करते हैं, जिससे कि हमारी डिज़ाइन उभर कर आए। ठीक है, जब भी आप डिज़ाइन क्रिएट करें तो ये ज़रूर किया करें, किसी भी बारीक डिज़ाइन को क्रिएट करने के बाद उसे लास्ट वाले लाइन को बोल्ड किया करें, जिससे कि आपकी डिज़ाइन भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखे। ये देखिए, डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और हम यहाँ जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वर्क है वो कर रहे हैं। और ये देखें, फुल फाइनल लुक कैसी लग रही है इसकी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आई या नहीं आई। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।